मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ। उसी काम में लगा हुआ हूँ। इन महान शब्दों को कहने वाले भाई स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी को यह चैनल सनातन भारत समर्पित है तथा उन्हीं से प्रेरित होकर इस चैनल की स्थापना की गई है। नमस्कारम, मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ आपका अपने चैनल सनातन भारत परिवार में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एलोवेरा अर्थात घृत कुमारी या ग्वार पाठा भी इसे कहते हैं, इसके बारे में। आजकल एलोवेरा का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। लोग साबुन भी एलोवेरा, जेल भी एलोवेरा, शैम्पू भी, खाने के अंदर भी, पता नहीं कितनी वस्तुओं में, जूस के अंदर किस किस में एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए क्योंकि एलोवेरा एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर एक पौधा है। लेकिन एलोवेरा में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, घृत कुमारी में बहुत गुण है, लेकिन इसके साथ में भी क्योंकि प्रकृति हर पौधे को, हर प्राणी को, हर जीव को कुछ ना कुछ एक अलग अपना प्रोटेक्शन के लिए देती है। तो एक तरह से मान लीजिए इस पर कीड़े नहीं लगते हैं, कांटे इसको दिए प्रोटेक्शन में के लिए, क्योंकि जंगली स्थानों पे उगता है एलोवेरा भी। तो इसमें साथ में प्रकृति ने इसे थोड़ा सा धीमा जहर भी दिया है, स्लो पॉइजन आप जिसे कह सकते हैं। इसे खाते कोई व्यक्ति नहीं मर जाएगा क्योंकि जीव जंतु होते हैं उनको प्रकृति का हमसे कहीं ज़्यादा ज्ञान होता है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो प्रकृति के सबसे नज़दीक हैं, प्रकृति से सबसे दूर अगर कोई प्राणी है तो वो इंसान ही है, मानव ही है। तो उनको तो पता होता है कि कैसे कौन से किस फल को खाना है, किस फल को नहीं खाना है और कैसे खाना है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हमको एलोवेरा को जड़ से नहीं उखाड़ना होता, हम उसको टहनी समेत तोड़ते हैं। जब हम टहनी से उसको तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि एलोवेरा में नीचे एक धीरे धीरे एक पीले से रंग का, येल्लो से कलर का एक द्रव सा निकल रहा होता है, पीले से रंग का एक गाढ़ा सा पानी सा निकल रहा होता है एलोवेरा से। तो ये जो पीले से रंग का पानी है ये ही वो स्लो पॉइजन है, जिस धीमे जहर की मैं बात कर रही हूँ एलोवेरा के अंदर। तो हमको इस एलोवेरा से स्लो पॉइजन को कैसे निकालना है, कैसे दूर करना है, इसके लिए जो आपने जो टहनी तोड़ी है उसको आप सीधा ऐसे खड़ा रख दीजिए और ऐसे आप इसको रख सकते हैं 1 घंटे तक के लिए। 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटे में धीरे धीरे रिसके नीचे की तरफ जहाँ से कटा है वहाँ तक सारा रिसके, वो जो पीला रंग है, जो पीला द्रव है आ जाएगा, जिसको हम धीमा जहर भी कहते हैं। फिर आप उसको वहाँ से अच्छे से धो दीजिए, उसको उस स्थान को जो टहनी के नीचे का भाग है उसको अच्छे से धो दीजिए और उसको सीधा रखिए 1 घंटे तक। फिर उसके बाद में जो एलोवेरा के जो अंदर का गुदा होता है, जो जेल सा होता है अंदर का, वही खाने लायक है। जो उसके बाहर के पत्ते हैं, जो हरा वाला भाग है वो खाने के लिए योग्य नहीं है। आप उसको हटा दीजिए, पहले दोनों तरफ से कांटे हटा दीजिए चक्कू से, फिर आप उसके अंदर गुदा निकाल लीजिए। आप अगर इसे प्रिजर्व करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन मिला सकते हैं, नींबू मिला के रख सकते हैं। वैसे अच्छा है कि आप फ्रेश यूज़ कीजिए। आप फ्रेश यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दो तीन दिन के लिए आप इसको रख भी सकते हैं। आप नींबू मिलाएंगे तो आप इसको रख पाएंगे 2-3 दिन के लिए। और इसको सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखना है, कांच के बर्तन में ही। आप किसी मेटल में, किसी और उसमें मत रखिए, वरना एक अलग तरह का प्रभाव उसमें आएगा, जो औषधीय गुण है नष्ट होने की संभावना है। तो आप सिर्फ कांच की डिब्बी में ही, कांच के बर्तन में ही उसको प्रिजर्व करके रखिएगा। तो ये था एक एलोवेरा के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी। आशा करती हूँ आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। कृपया मुझे जुड़े रहे मुझसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।